और दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़ी एक बड़ी खबर जो आ रही है वो आपको बता दें, एमसीडी के अफसर भारत के सवालों से भागते हुए नजर आए। जी हां, हादसे पर सियासत गरमाने के बाद एमसीडी के अफसर वहां पर पहुंचे थे। हादसे के बाद नालों की साफ सफाई का अभियान जो है वहां पर चलाया जा रहा है। जिम्मेदारी के सवाल पर कन्नी काटते नजर आए हैं एमसीडी के अफसर। टाइम्स नाउ न भारत ने जब वो सवाल पूछे, जो सवाल वहां मौजूद छात्र पूछ रहे हैं, तमाम जो दिल्ली की जनता है वो पूछना चाह रही है, देश की जनता जो है वो पूछना चाह रही है, तो अफसर जो है एमसीडी के वो कैसे नवभारत के सवालों से बचते नजर आए वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये वो तस्वीर जब बेसमेंट में पानी भरा था और वहां पर तेजी से -2 में पानी भरता गया। आंसर किस विभाग से नहीं है सर, मैं किसी से कहां से हैं? कहीं से तो होंगे आप, इधर सुना रहे हैं, आपके कर्मचारी बुला रहे हैं, साफ सफाई नहीं भी बता रहे हैं, आपके खुद विधायक आरोप लगा रहे हैं। हाँ भाई साहब, अरे एक मिनट सुन तो लीजिए, उसमें क्या बुराई है? आप जिम्मेदार हैं, यहाँ पर साफ सफाई क्यों नहीं हुई भाई साहब? आपके विधायक सर, मैं यहाँ पे नहीं हूँ सर। आप तो यहाँ जिम्मेदार, आपके कर्मचारी, आप ये बताइए कि जिम्मेदार कौन है फिर? यहाँ एमसीडी सफाई नहीं कर पा रही, नाले साफ नहीं हो रहे। मैं जो जिम्मेदार हुई नहीं सर, मेरे पीछे पड़ रहे हो आप। एमसीडी से हैं ना? नहीं हूँ मैं। आप कहाँ से हैं, किस विभाग से बताइए? मैं देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उनसे। क्या किससे हैं? मैं देख के बोल रहा हूँ उनको, मैं क्यों बोल रहे हैं आप? मतलब अधिकारी हैं आप, एमसीडी से बताइए, जिम्मेदारी तो कोई बनती होगी ना कि सफाई की जाए। आपके विधायक खुद बोल रहे हैं कि साफ सफाई नहीं हुई, नाले साफ नहीं हुए, उसकी वजह से बच्चों की मौत। सफाई कब होती है सर यहाँ पर? मेरे को जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो किसको जानकारी होगी? साफ सफाई होनी चाहिए, नालों की सफाई होनी चाहिए, एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बताएंगे सर लास्ट सफाई कब हुई थी यहाँ पर? ये आरोप लग रहे हैं नाले नहीं साफ हुए, दिखाई दे रहा है भरे पड़े हैं नाले सिल से, साफ सफाई कब हुई थी? एमसीडी सफाई क्यों नहीं कर पा रही है बताएंगे सर? एमसीडी की सफाई क्यों नहीं नालों की हो पा रही है सर? कोई तो जवाब दे दीजिए, कभी तो सफाई हुई होगी, लास्ट वक्त हुई होगी, कभी तो सफाई हुई होगी, नालों की सफाई तो होनी चाहिए। सारा आरोप आपके विधायक कह रहे हैं, दुर्गेश पाठक बोल रहे हैं, सब कोई बोल रहा है नालों की सफाई नहीं हुई। अरे सर मेरे पास है नहीं सर एरिया, फिर को मेरे आप क्यों यहाँ पर निर्देश दे रहे हैं? आपके कर्मचारी नहीं दे रहा निर्देश, कौन दे रहा है? आपके वहाँ देखो लगे, आप एमसीडी से है ना, वहाँ गाड़ी लगी हुई है, वहाँ बात करो आप। सफाई क्यों नहीं हो पाई यही तो जवाब पूछा जा रहा है, क्यों आप जा रहे हैं फिर जो जगह छोड़कर? आप रुकी नहीं है तो वहाँ तो खड़ा हूँ मैं। हाँ बताइए सफाई क्यों नहीं हुई, तो बोलिए। आप इस इलाके के एमसीडी कर्मचारी हैं? नहीं, बिल्कुल है आप, नहीं लगातार आप निर्देश दे रहे हैं और आप भाग क्यों रहे अपनी जिम्मेदारी से? जिम्मेदारी तो तय उनके कौन सा घर आना ये वाले भाई साहब एमसीडी से हैं आप? भाई साहब सफाई कब हुई थी आखिरी टाइम? भैया मैं एमसीडी से। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? अरे बताइए कहाँ से हैं भैया? कैसे भी नहीं हूँ मैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं फोन कह रहा हूँ भैया, मैं एमसीडी से। क्यों भाग रहे हो आप? एमसीडी से नहीं हो तो बताओ ना सफाई क्यों नहीं हुई नालों की? सफाई वाले बोल ना थोड़ी ना हो यार, है? मैं एमसीडी से नहीं हूँ। कहाँ से हैं आप? सफाई क्यों नहीं हो रही है बताइए आप? आपके विधायक कह रहे हैं नाले साफ नहीं हो रहे हैं। अरे एक बार रुक जाइए, नहीं है तो क्यों भाग रहे हैं ये बताइए? तो मैं डिपार्टमेंट से नहीं हूँ भैया, डिपार्टमेंट से कोई से डिपार्टमेंट नहीं। तो सफाई क्यों नहीं हो रही है बताइए? बच्चे मर गए, जिम्मेदारी क्यों नहीं है? नाले का पानी अगर पहुँच रहा है क्यों नहीं जिम्मेदार है कोई बताइए? जिम्मेदार कोई है ही नहीं है। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे जो एमसीडी के अफसर वहां पर पहुंचे थे, वहां पर हमारे सवालों से भागते हुए नजर आए, खुद को अफसर ही नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं हम एमसीडी से हैं ही नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद लोगों को वो इंस्ट्रक्शन देते देखे गए हैं। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई आ रही है, कोचिंग हादसे पर टाल मटोल में अफसर जो है वो जुटे हुए। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के जवाब ने सबको चौंकाया है, सर्टिफिकेट जारी करने के सवाल को टाल दिया गया है, स्टोरेज में लाइब्रेरी चलने के सवाल को टाल दिया गया है, फाइल मांगने के सवाल पर कहा गया है कि आज संडे है, यानी तमाम सवाल जब फायर डिपार्टमेंट से पूछे गए हैं तो ये बताया गया कि आज संडे है इसलिए फाइल नहीं दी जा सकती। 9/7/2024 को ये जो आदेश दिया गया है सर, तो इसमें सर ये साफ तौर पर एनओसी में ये लिखा हुआ है कि जिस जहां पे जिस ग्राउंड बेसमेंट में जहां पे ये हादसा हुआ है वो हादसा जो है स्टोरेज के तौर पे यूज होना है। जी जी। तो और उस जगह पे सर वहां पे लाइब्रेरी चल रही थी, और यहां पे छात्रों का कहना है कि वो लाइब्रेरी आज से नहीं लंबे समय से वो लाइब्रेरी चल रहा है वहां पे।
तो सर यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब फायर की टीम यहाँ पे एनओसी के लिए पहुंची थी तो क्या उन्होंने उस वक्त लाइब्रेरी नहीं पाया, या फिर लाइब्रेरी पाने के बावजूद भी उन्होंने एनओसी दे दी? क्योंकि छात्रों का साफ तौर पे जब वो हमसे बात करते हैं उनका कहना है कि वहां पे लाइब्रेरी पहले से था, और एनओसी में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि वो जो नीचे का जो हिस्सा है बेसमेंट का, वहां पे पार्किंग और स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल, तो उसको लेकर के सर मुझे वो जानना था। अभी तो आज संडे है ना, कल फाइल देखेंगे अफसर से बात तभी बता पाएंगे ना। अभी तो मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मिसयूज ऑफ बिल्डिंग है। तो विल टेक अप दिस इश्यू विद एमसीटी और पुलिस, इनके खिलाफ जो है केस रजिस्टर किया जाए। स्टोरेज के लिए परमिशन दी गई थी और क्लास यूज कर रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रेरित और भावना इस वक्त हमारे साथ है जुड़ चुके हैं, गौरव भी हमारे साथ है जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। भावना, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि आप अस्पताल के पास मौजूद है, जरा बताइए वहां का अपडेट क्या है। बिल्कुल, इस वक्त हम आरएमएल के मॉर्चरी के ठीक बाहर मौजूद है। आपको तस्वीरें हम दिखा देते हैं और बताते भी चलते कि परिवार के लोग मौजूद हैं। सर, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, श्रेया के आप चाचा हैं, कैसे देख रहे हैं इस पूरे घटना को और आप आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं, सरकार से क्या मांगे आपकी? देखिए, मेरी सबसे पहली मांग तो ये है जो कोचिंग का संचालक है उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, ये पहली और आखिरी मांग है। अच्छा, जिस तरह से कल ये पूरा हादसा हुआ, आपको जानकारी कब मिली? क्या प्रशासन की तरफ से आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई? नहीं, ना मुझे प्रशासन की तरफ से किसी ने कॉन्टैक्ट करा, ना ही मुझे कोचिंग सेंटर ने करा। मैं न्यूज में देख कर आया। न्यूज में देख कर आया। श्रेया से आखिरी बार बात कब हुई थी? परसों हुई थी मैम। थैंक यू। ठीक है, तो आप देखिए, ये श्रेया के चाचा हैं। इस वक्त आप देखिए, अगर बात करें तो आरएमएल में इस वक्त पोस्टमार्टम कुछ देर में शुरू होना है, और तीनों के ही परिवार की अगर बात करें तो अंबेडकर नगर की रहने वाली श्रेया यादव का परिवार यहां पहुंच चुका है। अगर बात करें, केरल से उनके लोग आए हुए हैं, अभी पुलिस स्टेशन पर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पोस्टमार्टम जो हो वो फिनिश होगा, वो यहाँ से लेके जाएंगे बॉडीज को। लेकिन फिलहाल ये बहुत ही दुखद घटना है और यहाँ पे तमाम लोग जो है वो मिलने वाले पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें, कुछ देर पहले स्वाति मालीवाल भी यहाँ पहुंची थी, उन्होंने सीधे निशाना साधा है शैली ओब्रॉय पर, कहा है कि एसी रूम में बैठ के ट्वीट करने से, बाइट देने से कुछ नहीं होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लापरवाही देखने को मिल रही है। गौरव, जब आप वहां एमसीडी के अफसरों से नाम पूछ रहे थे, इतना तक पूछ रहे थे कि आप एमसीडी से हैं या नहीं, तो कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वहां मौजूद कर्मचारियों को और दूसरी तरफ आप कन्नी काट रहे हैं, यानी अभी भी आप गंभीरता से इस हादसे को ले नहीं रहे, गलती भी नहीं मान रहे। बिल्कुल नहीं मान रहे। और एक बार मैं ये कैमरा घुमा दूं और ये देखिए, ये पूरा इलाका एक बार अगर आप 360 डिग्री दिखा दें, ये पूरा इलाका भ्रष्टाचार का अड्डा है और शायद इससे बड़ा कोई अड्डा जो है पूरी राजधानी दिल्ली में हो। यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, यहाँ पर पुलिस हो, यहाँ पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, कोई भी हो, सारे जिम्मेदार लोग जो हैं वो इस वक्त कन्नी ही काट रहे हैं और छात्रों के आक्रोश को सिर्फ दबाने की कोशिश हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस तरह से पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा दी गई हैं, लेकिन अगर यहाँ पर सफाई नहीं हुई तो आज कल हुई तीन मौतों के बाद अचानक से एमसीडी यहाँ साफ सफाई कैसे करने लग जाती है? सवाल ये भी है कि किस तरीके से ये जो सामने आप देख रहे हैं, दोबारा से आप एक बार देख लीजिए, ये ग्राउंड जीरो है, ये राव आईएएस का स्टडी सर्कल है, यहाँ पर पुलिस तैनात है और इसके अगर आप देखेंगे तो जो पार्किंग का हिस्सा है वहां पर अभी भी पानी भरा नजर आ रहा है। इसके नीचे बेसमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है, जो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट मिले हैं उसके नीचे सिर्फ स्टोरेज होगा, यानी कि उसमें जो है लोग ह्यूमन लिविंग ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, किसी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं होगी। लाइब्रेरी कैसे हो गई? गौरव, सवाल तो यही खड़ा होता है ना कि क्या फायर डिपार्टमेंट में जिसने सर्टिफिकेट दिया उसके लोग वहां मौका मुआयना करने के लिए भी नहीं पहुंचे थे, क्योंकि लंबे वक्त से बताया जा रहा लाइब्रेरी चल रही थी। प्रेरित, आपने तो बात की है फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से, साफ तौर पर गैर जिम्मेदाराना जवाब उनका। आज संडे है, वाकई में ये जवाब मिलेगा? बिल्कुल कहा जा सकता है कि देखिए, जिस तरीके से जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है और उन परिजनों को लगातार हम इस वक्त नवभारत पे सुन रहे हैं कि किस तरीके से वो आरएमएल में वहां बैठे हैं, लोग जो है, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरीके से उस डर को लेकर के छात्र सड़क पे खड़े हैं। इन छात्रों के अंदर भी इसी बात को लेकर के डर है कि आज वो बच्चे शिकार हुए हैं, कल को ये शिकार हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके की स्थिति इस तरह की बनी हुई है। हमने जब फायर डिपार्टमेंट के, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की अतुल गर्ग से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि आज संडे का दिन है, उन्होंने फाइल मंगवाया है, इसलिए उन्हें जब फाइल मिलेगी वो उसके मामले की छानबीन करेंगे, उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे।
यानी देखिए कि किस तरीके से तीन जो छात्र जो यूपीएससी एस्पिरेंट थे उनकी मौत हो जाती सिस्टम की लापरवाही की वजह से, छात्र जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और ये सांठ गांठ भी नजर आ रही है, तभी ये गोलमोल जवाब दिया जा रहा है या कन्नी काटा जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर।